विक्ट्री डे पर मॉस्को में भव्य तैयारियां की गई हैं और ठीक थोड़ी देर के बाद रूस में शुरू हो जाएगी विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे पर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे पुतिन। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूसी जवान यहां पर परेड करेंगे। थोड़ी देर में रेड स्क्वायर पर पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। और ये देखिए तस्वीरें, थोड़ी देर में ये विक्ट्री डे परेड यहां पर शुरू होने वाली है। उसको लेकर के वहां क्या तैयारियां हैं ये लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा भी वहां पर मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में ये परेड की शुरुआत होगी और थोड़ी देर में यहां पर राष्ट्रपति पुतिन यहां पर पहुंचेंगे और देखना है कि आज पुतिन क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि आज उनका संबोधन भी यहां पर होगा और ये जो संबोधन होगा लगभग 2.5 महीने के बाद होगा। आपको याद होगा कि 21 फरवरी को इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को संबोधित किया था, जिस पर सारी दुनिया की नजरें थी और उस वक्त कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है। और आज विक्ट्री डे परेड ऐसे मौके पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भीषण हो चली है। लगातार रूस यूक्रेन के इलाकों में बमबारी कर रहा है और ऐसे में विक्ट्री डे परेड, क्योंकि यह कहा जाता है कि इसके जरिए रूस पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता है। इसमें रूसी फौज के जवान इसमें शामिल होते हैं और उसमें हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाता है, जो कि थोड़ी देर में आपके सामने पूरी तस्वीर होगी। ये देखिए, ये मॉस्को से सीधी तस्वीर रेड स्क्वायर से आप देख रहे हैं। 1945 में सोवियत यूनियन की जर्मनी पर जीत और उस दौरान सोवियत यूनियन के जो शहीद हुए जवान थे उसकी याद में ये हर साल विक्ट्री डे परेड इसी दिन में मनाया जाता है। और रूस में विक्ट्री डे परेड, दुनिया में खलबली, पूरी दुनिया की नजरें विक्ट्री डे परेड पर। तो मॉस्को में हो रही है इस बार की विक्ट्री डे परेड और यह काफी अहम है। क्रेमलिन पर हमले के 6 दिन बाद आज विक्ट्री डे परेड है और परेड को लेकर मॉस्को में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मॉस्को में चप्पे चप्पे पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। रेड स्क्वायर की परेड में 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। आज की परेड में सभी बड़े हथियारों की नुमाइश होगी, दुनिया को रूस की ताकत दिखाने की पुतिन की कोशिश होगी आज के दिन। तो पूरी दुनिया की नजरें हैं और सबसे खास बात यह है कि यह सब जब दुनिया देख रही है तब रूस के सामने एक निर्णायक जीत हासिल करने की चुनौती भी बनी हुई है यूक्रेन में। हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट और मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर रंजन कुमार हमारे साथ, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, और मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है रूस के लिए और खासकर इस जोन के लिए जहां पर इस वक्त हाई लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है। रूस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो विक्ट्री परेड है ये हर एक साल मनाई जाती है। विक्ट्री अगेंस्ट द नाजीज एंड द जर्मन फोर्सेज एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये जो आज का परेड है ये भी वही अहमियत रखता है। और इसमें अगर हम यूक्रेन जंग को जोड़ के चलें तो पुतिन साहब का कहना है भाई ये नियो नाजी जो पैदा हो गए हैं यूक्रेन के अंदर, जो इनकी एजोव बटालियन थी वो नाजिज्म के उसके प्रिंसिपल्स पे चल रहे थे, उन्होंने जो एट्रोसिटीज़ करी थी डोनबास और लुहांस के एरिया में, शायद लोगों के उसके बारे में याद नहीं है। ये इसी को चलते जंग शुरू हुई जहाँ पर रशिया ने फैसला किया कि जो डोनबास लुहांस का एरिया है इसको आज़ादी दी जाए, क्रीमिया को यूक्रेन भूल जाए और जो इलाका फिलहाल रशिया के पास है वो रहेगा जी, और ये आप नाटो में ज्वाइन करें। लेकिन उसके बरखिलाफ यूक्रेन ने जो भी किया वो किया। लेकिन आज की जो परेड है बहुत अहम है, बहुत अहम हो जाती है सर। और बिल्कुल प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, क्योंकि बहुत कुछ मॉस्को में बदल गया है क्रेमलिन अटैक के बाद, बहुत कुछ बदल गया है, खतरा अब रूस में भी लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे में आज जब व्लादिमीर पुतिन अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी?
समीर शुक्रिया सवाल के लिए। मैं पहले तो बैकग्राउंड बता दूं जी, जिस वहां पे कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं होता है क्योंकि रशिया कभी गुलाम नहीं था, राइट। वहां पे जो नेशनलिज्म का बेसिस है, जिस राष्ट्रवाद का जो आधार है, वो वहां पे पेट्रियोटिक वॉर या जो वर्ल्ड वॉर टू में जो विक्ट्री हुई है उसके रूप में दिखाया जाता है। और इसलिए आप समझिए कि वहां के लिए 15 अगस्त है जो कि हम भारत में देखते हैं। और अभी चूंकि खतरा बना हुआ है, काउंटर ऑफेंसिव का डर है, क्रेमलिन पे अटैक भी हुए थे, तो रूस वहां पे यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम यूक्रेन से या फिर नाटो से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और हम अपना विक्ट्री परेड करेंगे। और उन्होंने कई रेजिमेंट को ऐसे मना भी कर दिया, जैसे एक इस परेड के साथ एक इमोर्टल रेजिमेंट जो कि पब्लिक वहां पे जाती थी, जिनके लोग रिलेटिव्स जिनके वर्ल्ड वॉर टू में मरे थे तो वो भी होता था, लेकिन इसमें उनको रोका गया है क्योंकि पुतिन को यह भी डर है कि कुछ लोग जो कि यूक्रेन में मारे गए हैं वो भी अपने प्ले कार्ड लेके आ सकते हैं, तो उसको रोका गया। तो रूस में भी डर है कि इस ढंग की कोई घटना हो सकती है, लेकिन यह विक्ट्री डे परेड उनके लिए, रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उनके लिए एक तरह से पेट्रियोटिक डे। लेकिन सर एक साया है और वो साया ये कि क्रेमलिन पर हाल ही में अटैक हुआ, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लगातार शिकंजा कस रहा है पुतिन पर। तो मैं आपके पास आ रही हूं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पी के श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, आप क्या समझते हैं, ये जो विक्ट्री डे परेड है ये एक तरह ताकत का प्रदर्शन भी है और ये बताने की कोशिश है कि हम देखिए हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, उनका संबोधन जो होगा पुतिन का वो भी महत्वपूर्ण होगा। निधि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसका एक आकलन ये भी है कि शक्ति से शांति, कि आप ये विक्ट्री डे परेड जो होती है उसमें नॉर्मल मैसेज देने की कोशिश होती है कि रशिया के अंदर ये क्षमता है कि वो बलिदान दे सके, रशिया के अंदर ये क्षमता है कि उसके पास हर तरह की, चाहे आप मिसाइल पावर देखें, चाहे आप एयरक्राफ्ट की पावर देखें, चाहे स्पेस की पावर देखें या आर्म फोर्सेस की देखें, अगर टैंक्स के नंबर्स देखें, एयरक्राफ्ट के नंबर्स देखें और मिसाइल्स के नंबर देखें तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इतनी शक्तिशाली देश में जहां इतने नंबर्स में, नंबर्स की अपनी क्वालिटी होती है, वेस्टर्न इक्विपमेंट की क्वालिटी बेटर होती है रशियन इक्विपमेंट से, ये माना जाता है सामान्यतः, लेकिन नंबर्स की भी अपनी एक ताकत होती है। बिल्कुल सही बात है, नंबर्स की अपनी ताकत होती है श्रीवास्तव जी।